अब ये स्ट्रेचर के कुछ पार्ट देखेंगे जहाँ पे आपका ये मूवमेंट है जो स्ट्रेचर का मूवमेंट रोकने के लिए या तो स्ट्रेचर स्लिप नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके व्हील्स के ऊपर कुछ ऐसे तरह से लॉक्स बनेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप पेशेंट को ग्लाइड करते हो या स्लाइड करते हो तो एक जगह पे पेशेंट को रखने के लिए, एक जगह पे स्ट्रेचर को रखने के लिए इस तरीके के लॉक्स यहाँ पे लगे हुए हैं। तो आप प्रेस करोगे तो ये लॉक हो जाएगा, ये स्ट्रेचर जो है वो आपका आगे पीछे नहीं जाएगा। ये दोनों तरफ से आपको लॉक करना पड़ेगा, लॉक करने से स्ट्रेचर आपका आगे पीछे नहीं होगा। इसको अभी वापस मूवमेंट में लाने के लिए ये लॉक ओपन करना पड़ेगा दोनों तरफ से, और लॉक ओपन करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को या स्ट्रेचर को आप आगे लेके जा सकते हो लाइक दिस। क्लियर? देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट, जब आप पेशेंट को इसके ऊपर ले रहे हो तो सबसे पहले ये दोनों व्हील्स को लॉक करना है। नाउ पेशेंट को ऊपर लेने से पहले हमेशा ये आप इसको साइड रेलिंग जो होता है वो नीचे की तरफ करना है, पेशेंट को इसके ऊपर लेना है, उसके बाद वापस साइड रेलिंग को लगाना है। देन इस तरीके की जो बेल्ट है, ये बेल्ट से पेशेंट को लॉक करना है। इम्पोर्टेंट है, एक बेल्ट नीचे की तरफ और एक बेल्ट ऊपर की तरफ। ये जो है वो सलाइन आईवी बॉटल्स लगाने के लिए स्टैंड है, इसको आप निकाल भी सकते हो, इसको आप वापस जोड़ भी सकते हो, जिसका यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। अगर किसी पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो उसको सिटिंग पोजीशन देने के लिए या सेमी सिटिंग पोजीशन देने के लिए आप यहाँ से इसको ऊपर उठा सकते हो। तो इसका लीवर यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो इसका लीवर यहाँ पे दिया हुआ है, जो अनलॉक करने के लिए आप ऐसे प्रेस करोगे तो आप नीचे लेके आ सकते हो, और जो जो लेवल पे आपको लॉक करना है उस लेवल पे आप पेशेंट को रख सकते हो। तो जिस भी लेवल पे आपको पेशेंट को रखना है, सिटिंग में रखना है या सेमी सिटिंग में रखना है, थोड़ा ऊपर उठा के रखना है, तो मल्टी लेवल पे आप क्या कर सकते हो, इसको लॉक कर सकते हो। तो ये हो गया पेशेंट को प्रॉप्ट अप देने के लिए, पेशेंट को पोजीशन देने का बैक सपोर्ट।